हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज फाइनली हमारे यहाँ पे क्रेटा का SX ऑप्शनल वेरिएंट आ चुका है, लेकिन ये है नाइट एडिशन। जैसे आप फ्रंट ग्रिल से देख सकते हो, पेट्रोल में है, SX ऑप्शनल है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका पेट्रोल, यहाँ पर आपने पेट्रोल पढ़ लिया। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो राइट फेंडर बैजिंग देते हैं ना, ये जो ऑटोमेटिक हो, IMT हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर आती है बैजिंग DCT वगैरह की। तो ये ऑटोमेटिक ऑटो लिखा हुआ, तो मतलब ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स हो गया। तो पूरी गाड़ी दिखाएंगे, बाहर से तो ये वही है जैसे S प्लस आई थी ना, तो S प्लस तो अभी एक और वहाँ खड़ी है हम पे, तो ये तो अलग हो गई। पर बाहर से तो देखो इतना कुछ मज़ा नहीं आया, बस साइड में अलॉय व्हील्स देखे उसमें वो अच्छे लगे, पर इंटीरियर में जब जाओगे तब आएगा असली मज़ा। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं फटाफट, फिर आपको सारी गाड़ी दिखाते हैं। तो फ्रंट के वही आपके ट्राई बीम हेडलैम्प हो गए जो पहले भी आ रहे थे, ये इसके DRL। नीचे आपको मिलते हैं हैलोजन फॉग लैंप्स विद इंडिकेटर। जो फ्रंट में डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है। इसकी जो पूरी ग्रिल है पियानो ब्लैक फिनिश में कर दी है, या ग्लॉस ब्लैक में आप मान लो, और बीच में आपको यहाँ रेड कलर दे दिया है, रेड एक्सेंट दे दिया है, जैसे किया सेल्टॉस में आता है उसका GT लाइन में, तो इसमें यहाँ पे आता है। लेकिन इसमें ऊपर दे उनमें नीचे देते हैं वो किया वाले, हैं बह नहीं कुछ भी नहीं फ़र्क। बस ये हो गया, यहाँ पर रेड हो गया। और जो इसका Hyundai का लोगो, ये डार्क क्रोम में है, क्रोम में नहीं है, डार्क क्रोम। पूरी गाड़ी में से क्रोम जहाँ जहाँ भी था, बाहर अंदर कुछ भी, हल्का सा भी जो क्रोम दे रही थी कंपनी, वो सब डार्क हो गया, वो कई जगह तो हटा ही दिया गया है। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से हटाया। बाकी ये डार्क क्रोम में हो गया। फ्रंट की होगी इसकी लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट, फ्रंट की जो सिल्वर स्किट प्लेट आती थी वो इसमें होगी, या पियानो ब्लैक फिनिश की, जैसे आप देख ही सकते हो। दूर से गाड़ी दिखाता हूँ, लुक तो बहुत अच्छी हो गई है, बस एक किस्मत में हमारी मारी, मतलब किस्मत बड़ी ख़राब है यहाँ पर, मत मारी है। वाइट रही है बार बार, वो S+ आई वो भी वाइट आई, ब्लैक नहीं आ रही। ब्लैक आते ही कसम से इतना मज़ा आएगा ना, ब्लैक कलर में जो ये जचेगी, किसी और के यहाँ ज़रूर पहुँच जाएगी। मेरी वीडियो शायद पहली हो SX ऑप्शनल के लिए, जब अभी तो शूट कर रहा हूँ, अभी तक किसी की नहीं है। जब डालूँगा तब तक शायद एक आध कोई डाल दे, कुछ आइडिया नहीं है, पर अभी तक तो कोई नहीं है। और क्या पता वो ब्लैक की डाल दे और मैं वाइट की डालूँ। तो चलो अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। फ्रंट से मैंने आपको दिखाई जो दो चेंज थे पियानो ब्लैक फिनिश के, एक तो ग्रिल पे, एक इसी फ्रंट की जो सिल्वर स्किट प्लेट थी वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में। अब आ जाओ इसके अलॉय व्हील्स की तरफ, तो वही 17 इंचेस के अलॉयज़ हैं। टायर साइज़ की बात करें 215 60R17, सेम टायर साइज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स आ गए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। बस ये गंदे बहुत होंगे, ये तो आप लिख के ले लो मेरे से, इन पर मिट्टी दिखेगी बहुत, जो सिल्वर वाले हों पता नहीं चलती थी इन पर। अब हाँ, ये है जो इसके फ्रंट के ब्रेक कैलिपर्स हैं वो हो गए हैं रेड कलर के, और आती इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। मेरे को लगा था पीछे वाले शायद कर दें, पर ना, कंप्लीट हीट है। पीछे वाले इन्होंने सिल्वर ही दिए हैं। अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपको चारों रेड चाहिए, खाली आगे वाले दो रेड बहुत हैं। अब साइड प्रोफाइल में मैं अभी बहुत और कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको इतने गेस करना है कि SX ऑप्शनल में क्या आता था साइड प्रोफाइल में और इसमें नहीं है। तो अभी मैं चेंजेस बताता हूँ, जब तक आप सोचो आराम से। दिख रहा है अभी वीडियो में, वैसे जो इसके OR मैं बता नहीं रहा अभी, वैसे और डिटेल्स बता रहा हूँ जो जो हैं। ORVMs इसके आ गए अब वही ब्लैक कलर के पियानो ब्लैक फिनिश में, जो फैंटम ब्लैक कलर आता है इसका क्रेटा का, उसके ORVMs हैं फैंटम ब्लैक कलर के। ये हो गए इसके LED इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल हैं, सब फीचर्स वही हैं। रूफ रेल्स की बात करूँ वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। ये जो पूरा इसकी आर्क थी ये भी अब पूरी वही फैंटम ब्लैक कलर ले लो, ग्लॉस ब्लैक ले लो, उसी में है। ऊपर आपको सनरूफ तो इसमें आता ही था पैनोरामिक। ये हो गया इसका शार्क फिन एंटीना, ये भी आपका ब्लैक कलर में है। अब मैं बताता हूँ चेंज, एक मिनट के आसपास टाइम दे दिया। जो SX ऑप्शनल नॉर्मल आती है उसमें आपको मिलते थे क्रोम डोर हैंडल्स, ये नाइट एडिशन है इसलिए इसके कर दिए बॉडी कलर, क्योंकि ये ब्लैक कलर में, जब ब्लैक कलर में आएगी फैंटम ब्लैक कलर में तो ये ज़्यादा जचेंगे। अभी इसमें थोड़ी प्लेन लुक दे रहे हैं ना, अब ब्लैक कलर के लगा देंगे। वैसे तो इनकी किसी गाड़ी में आते नहीं, मारुति की गाड़ियों में आते हैं ब्लैक कलर बेस मॉडल में, इसमें तो आते नहीं, तो इन्होंने बॉडी कलर ही रहने दिए, इन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। हाँ क्रोम देते तो भैया फिर हर किसी का हिसाब है, बाकी मेरे होते तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ब्लैक होते तो बेस मॉडल टाइप लगती। तो ठीक है, ये हो गई साइड प्रोफाइल की बात, रूफ से लेकर नीचे तक मैंने आपको बताया। नीचे ये रह गया, हाँ ये जो ये भी सिल्वर में आती थी ना साइड की, ये पूरी ये भी कंपनी ने पियानो ब्लैक फिनिश में कर दी। चारों तरफ होती थी सिल्वर प्लेट्स, ये सब हो गई हैं पियानो ब्लैक में। अब चलते हैं पीछे, जहाँ पे एक चेंज जो ये है, ये मेरे को लग रहा है कंपनी ने नाइट एडिशन जब बोला था ना उसी टाइम ये हर वेरियंट में हो गया था क्रेटा के, तो मतलब इन्होंने वाइट पेंट कराना ही छोड़ दिया, सब इसमें सब में ये कर दिया, पता नहीं क्या है। चलो जो भी है, ये तो हर वेरिएंट में आपको मिलेगा। SX की बैजिंग यहाँ मिलती है, क्रेटा की यहाँ मिलती है। जो चेंज है बूट पे ये है, नाइट का यहाँ पे आपको लोगो मिलता है, एडिशन वगैरह इन्होंने लिखा, खाली नाइट का लिखा है। भाई साहब लोगो बहुत बढ़िया बनाया है, अलग अलग पूरे ऊपर बोल्ड है बहुत। और उसके बाद आपका रेयर में बात करें तो रेयर में आपको रेयर वाइपर एंड डिफॉगर भी मिल जाता है, जो एक और डिफरेंस है वो हर कोई नहीं बता पाएगा।
क्या पता कईयों ने बताया हो, मैंने एक दो वीडियोस देखी उनमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं बताता हूँ, जो ह्यूंडई का ये लोगो है ये भी डार्क क्रोम हुआ पड़ा है अगर आप ध्यान से देखो तो। अब मैं कोई नॉर्मल क्रेटा के पास आपको लेके चलता हूँ, पीछे खड़ी है वहाँ ले चलता हूँ। पहले आप यहाँ से आराम से देख लो, ह्यूंडई का लोगो और ये क्रेटा का लोगो पूरा डार्क क्रोम है। आगे चलते हैं, नॉर्मल कोई खड़ी हो SX या SX हो किसी पर भी चल लो, वैसे तो ऐसे ये दोनों खड़ी है ना, नाइट ये खड़ी है एक, ये S+ है, वो SX है या SX है, ये एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, SX ही है। अब इसको आपको मैं पीछे से दिखाता हूँ, बाकी यहाँ बारिश हो गई थी इसलिए गाड़ियाँ गंदी लग रही, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। अब आप यहाँ देखो, ये देखो पूरा क्रोम में दिख रहा है ना अच्छे से, वो डार्क क्रोम में है। अब ऐसे ही अब ये S+ है तो इसमें भी आप देख सकते हो ये डार्क क्रोम में हुआ पड़ा है। चलो, गंदी बहुत हो गई यहाँ गाड़ियाँ, मेरे पैर में क्या घुस गया, अरे मच्छर बहुत हो जाते हैं ना बारिशों में। तो अब आप दूर से देखो एक, तो चलो मैं थोड़ा और पास चलता हूँ, ये तो ज़्यादा ही दूर लग रहा है वैसे तो कैमरा में। अब आप देखो दूर से लग रही है ना गाड़ी मस्त, जो S+ में अलॉय व्हील्स की वजह से थोड़ी लुक नहीं आ रही थी, बस इसमें जो अलॉय व्हील्स और आगे जो ब्रेक कैलिपर्स इन्होंने रेड करे ना उससे लुक आई है जो आई है। अभी अंदर मैं लेके जाऊंगा, उससे पहले आपको बूट पे और पीछे की बात कर लेते हैं जो इस लोगों के दिखाने चले गए थे। तो ये लोगों की बात हो गई, रेयर में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ मिल जाता है, बाकी एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ मिलता ही है। जो रेयर की यहाँ पे सिल्वर स्किट प्लेट थी वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में हो चुकी है, और इसके रिवर बम्पर के बॉटम पे आपको 4 पार्किंग सेंसर तो मिलते ही हैं, रिवर्स लाइट्स वही हैं, सब वही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब बूट खोल के दिखा देते हैं, तो वही बूट है सेम, 60-40 स्प्लिट हो गई, पार्शल ट्रे हो गई, ये पार्टीशन है, ये एडवांस वार्निंग ट्रायंगल। स्पेयर टायर की बात करें तो आपको मिलता है, वाओ वो ये कब हुआ भाई, ये स्पेयर टायर कब से 17 इंच के आने लगे भाई साहब, ये कब हुआ, 215, 60, 8, 17, ये तो बढ़िया है, पहले 16 इंच के आते थे मेरे हिसाब से, तो आप कमेंट्स में बताना 16 के ही आते थे ना या मैं भूल गया। ये देखो रिम टायर है, ये तो चलेगा, 215, 60 और 17 बढ़िया है, 16 इंच हटा दिया, बिल्कुल बराबर टायर दे दिया। बाकी ये तो इसके सारा सामान वगैरह जो होते हैं ना वहाँ से टिक हो गया था, बाकी बॉस का यहाँ पे सबवूफर भी मिल जाता है, ये बढ़िया हुआ, स्पेयर टायर बराबर हो गया। यहाँ पे आपको एक हैलोजन लैंप मिल जाता है, LED होना चाहिए था वैसे, और यहाँ पे आपको एक बॉस का सबवूफर तो मैंने बता ही दिया। बाकी बूट को करते हैं बंद, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, बहुत हो गई बाहर की बातें, अंदर जाके जो आएगा ना मज़ा आप लोगों को, चाबी इसके अंदर ही है ना, बढ़िया। तो हल्का सा फुल्का तो दिख गया होगा, पहले ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे पर हम, चारों पावर विंडोज कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, कार लॉक अनलॉक, पावर विंडोज इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल भी हैं, सिल्वर डोर हैंडल हैं, पूरा डोर ब्लैक हो चुका है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है और रेड स्टिचिंग भी मिल जाती है यहाँ पे, ये प्लास्टिक है। तो ड्राइवर साइड डोर पे यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिलती है, बॉस के आपको इसमें स्पीकर मिल जाते हैं। मैं करता हूँ अपनी पूरी सीट पीछे, ऐसे ऑप्शनल में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स तो आई थी, पीछे हो जाए एक बार में दिखाऊंगा पूरा, और चलो और चलो। जब तक इतने में आइडिया लो क्या लग रहा होगा। तो जी ये है इसका इंटीरियर, तो ये जो सेंटर कंसोल है पियानो ब्लैक फिनिश में, ये SX ऑप्शनल नॉर्मल में भी आ चुका था, मैंने आज से एक महीना होने वाला है मेरे को वीडियो बनाए हुए, मैंने उसमें भी दिखा दिया था, पर उसमें कुछ शायद टाइटल के हिसाब से लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पर उसमें मैंने दिखाया हुआ आज से एक महीने पहले, मैंने कॉस्मेटिक चेंजेस बताए थे SX ऑप्शन में क्या आए हैं, तो उसमें ये भी था पूरे यहाँ पे कंट्रोल्स के पीछे भी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश हो गई थी। बाकी इसमें अलग ही लुक आ रही है, पूरा इंटीरियर ब्लैक और ये रेड एक्सेंट्स इसी पे, भाई साहब ये लग रहे हैं चीज। नीचे आपकी एम्बिएंट लाइटिंग ये ब्लू कलर में है, इसे कलर आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी यहाँ सॉफ्ट पेंट फिनिश भी है। सेंटर कंसोल पे आते हैं, इसको बंद करो, तो वही आपको म्यूजिक सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में हो गया। सेंटर कंसोल कुल मिला के इन्होंने अल्कज़ार वाला इसमें लगा दिया है, और रेड स्टिचिंग के साथ दे दिया सब कुछ, ये रेड पाइपिंग, रेड स्टिचिंग सीट्स पे, वेंटिलेटेड सीट्स जो SX ऑप्शनल में आता था सब है, बस इन्होंने क्या किया जो टर्बो वाली सीट्स थी वो इसमें लगा दी, टर्बो वाला इंटीरियर इसमें लगा दिया, चेंज कहाँ करा ये थोड़ा सा इसको ग्लॉस ब्लैक में कर दिया बस, इन्होंने और कुछ नहीं किया। स्टेरिंग व्हील की बात करूँ तो दो एयरबैग तो आपको यहाँ मिलते ही हैं, यहाँ भी मिलते हैं, एयरबैग ही एयरबैग हैं, वो तो अलग चीज़ है, बाकी जो चेंजेस हैं इसमें वो बात करेंगे, तो सबको पता है इसमें क्या एयरबैग हैं क्या है।
तो चलो अब इसके करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। तो वही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको बताएगा पार्क पे है, रिवर्स पे है, न्यू, मेरी पार्क पे है। हम इसको रिवर्स बढ़ा लूँगा तो रिवर्स बड़ा बड़ा हो जाएगा, न्यूट्रल बड़ा होगा, डी बड़ा हो जाएगा, ड्राइव पे आते ही। सिक्वेंशियल पे डालूंगा, जैसे इसका स्पोर्ट्स मोड ले लो या मैनुअल पे आपको डालनी हो, तो ड्राइव पे ला के ऐसे हल्का सा इधर करना होता है, तो वो अलग से बाद में लिखा आ जाएगा। स्पीड आपको इसमें डिजिटली बताएगा, टॉप स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, RPM इसके 8, मैक्सिमम 8000 या 8 वही ले लो। यहाँ आपको पेट्रोल बताएगा, नीचे इसका इंजन टेम्परेचर बताएगा, वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आएंगी और कुछ यहाँ आएंगी। यहाँ मिलेगा आपको इसका लाइट्स के ऑप्शन, ऑटोमेटिक हेडलैम्प हैं, वाइपर भी हैं, पैडल शिफ्टर्स इसमें आपको यहाँ मिल ही जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और ये लाइट लेवलिंग का ऑप्शन। सेंटर कंसोल पे यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम मैंने आपको दिखाई दिया, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स आपको मिल ही जाते हैं, वही सेम एस वेरियंट्स आते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग सब कुछ है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो 28/4 की है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका कूल ग्लव बॉक्स, इसको करते हैं हम बंद। एम्बियंट लाइटिंग मैं आपको दिखाऊँ नीचे से थोड़ी। तो कुल मिलाकर ऐसा इंटीरियर, मेरा इसमें से जाने का मन नहीं कर रहा। ये हो गया इसका गियर लीवर, ड्राइव ट्रैक्शन, इसको मैं प्रेस करूँगा तो कम्फर्ट, इको, एक मिनट, ये तो स्नो मड सैंड हो गया ना, प्रेस नहीं करना था, प्रेस वापस कंफर्ट, ये इको, ये स्पोर्ट, ये भी थोड़ा चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज हो गया स्पीड का इसमें, ये इको, ये देखो इको। अभी जैसे अब 20 दिखा रहा है, जब 40 के आसपास, 30-40 पे आएगी तो वहाँ दिखाएगा, तो ये भी बढ़िया है। यहाँ ऊपर इको लिखा रहा है, स्पोर्ट कहाँ लिखा है, स्पोर्ट नहीं दिखा रहा, ऊपर लिखा हुआ। अच्छा ये रो छोड़ूँ तब इको दिखाया है, ऐसी स्पोर्ट पे मैं छोड़ूँ। अच्छा ऐसे ही ऊपर स्पोर्ट, राइट में ऊपर स्पोर्ट लिखा गया। ये कंफर्ट पे, कंफर्ट पे नहीं लिख रहा। तो चलो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात तो बहुत हो गई, बाकी इसके आपका यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बाकी इसके सारे कंट्रोल जो इसके लिए हैं वो सब यहाँ है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका वॉइस कमांड और म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको इसके यहाँ मिलते हैं, फोन उठाने काटने का, म्यूट व्यूट, जो म्यूट ये ऐसे होगा चुप तेरी शट अप। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो वो आपको ऊपर नीचे तो आप कर ही सकते हो, चल 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 आगे पीछे हो जा तोड़ दूंगा, नहीं हो रहा आगे पीछे नहीं होता, खाली ऊपर नीचे। नीचे आपको इसका एक ब्रेक पैडल हो गया, ये हो गया इसका एक्सेलेटर, बोनट खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। इंजन दिखा के कोई फायदा नहीं, जो चेंजेस है वो यहाँ इंजन में थोड़ी है, इंजन तो वही आ रहा है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका इनर रियर व्यू मिरर, जो आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक, रोड साइड असिस्टेंस, SOS और ब्लू लिंक के बटन, यहाँ आपको तीन बटन मिल जाते हैं तीनों के। ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता टॉप मॉडल में, पैसेंजर साइड आपको मिल जाता है विदाउट कवर विदाउट लैंप, क्या है भाई ये बेकार चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है इसका सनरूफ के कंट्रोल, तो वो मैं आपको खोल के दिखाता है। अरे खोलने को बोला है, मजे ले रहे हो। चलो सनरूफ भी हमने खोल दिया, अब गाड़ी में रोशनी बढ़िया हो गई होगी, ठंडक आएगी ऊपर से थोड़ी। तो ये इसका इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एयर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर के चक्कर को मैं थोड़ा इंटरेस्ट की सामान रखने की जगह छोटी हो जाती है। वेंटिलेट सीट्स कंट्रोल आपको यहाँ मिल ही जाते हैं, फुल ऑन हो गई, एक दो तीन ऐसे यहाँ मिलती हैं। ये व्यू का बटन है, गाड़ी चला दो सीधी इसको दबाओ, पीछे का आपको सारा व्यू मिलेगा। ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया। फ्रंट से मैंने आपको पूरी गाड़ी लगभग दिखाई दी है, दो ट्विटर आपको फ्रंट में वहाँ मिलते ही थे। यहाँ पे भी एक स्पीकर है। तो सनग्लास होल्डर मैंने आपको दिखाई दिया, सनरूफ करते हैं बंद इतने और चलते हैं हम पीछे वाली सीट्स पे। तो आ गए हम रेयर सीट्स पे, चार के चार हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, यहाँ पे आपको कुशन मिल जाते हैं और इन पे ना देखो अलग से, ये नॉर्मल वाले में नहीं आता क्रेटा में, ये नाइट वाली में है, तो इसके ऊपर ना अलग 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 सा डिज़ाइन है। और बाकी वही सीट्स हैं रेड पाइपिंग और स्टिचिंग के साथ, बस जो कमी है वो मुझे पता थी, यहाँ पे इन्होंने रेड नहीं करा, इनको सिल्वरी दे दिए, क्यों जब आगे वाले हैं इच्छा वाले भी तो होने चाहिए। बाकी वही दो रेयर एसी वेंट्स हो गए, नीचे आपका USB पोर्ट और थोड़ी सामान रखने की जगह, दो मैगजीन होल्डर दोनों सीट्स के पीछे हैं, कर्टन्स भी हैं रेयर के दोनों डोर्स पे, सब सेम है बॉस के स्पीकर।
अब यहाँ कोई चेंज नहीं था, बस इस गाड़ी को अगर नाइट बोल रहे हैं ना तो ये रूफ भी ब्लैक होनी चाहिए थी और इसके ए बी सी प्लेयर भी ब्लैक होनी चाहिए थी, जैसे इनके i20 एनलाइन में आते हैं वो लगती है इंटीरियर में, तो इतनी गजब उसमें आता है इसलिए मजा। बाकी ये स्कफ प्लेट्स आपको मिली जाती हैं, यहाँ पे पैर वेर लगे तो पेंट ख़राब नहीं होगा आपका। ड्राइवर साइड सीट आपकी हाइट एंड बैक एडजस्टेबल सब इलेक्ट्रॉनिकली है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब ऐसे ही हो जाएगी। तो इंटीरियर मैंने आपको पूरा दिखा दिया, प्राइस लास्ट में शो हो जाएगा, और बाकी रही बात और चीज़ों की तो क्या ही है, गाड़ी मजा मचे सब मजा आया गाड़ी देख के, बस ब्लैक कलर आती ना तब आता असली मज़ा। तो जब आएगी बनाऊंगा ज़रूर, चाहे मेरे से पहले कोई डाले ना डाले वो बात की चीज़ें हैं, बाकी गाड़ी गजब लग रही है। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई डाउट रह गया वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे 2-4 दिन में या कल ही मिल जाऊँगा कोई कॉन्टेंट समझ आ गया तो किसी भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।